ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद के पांचवें अध्याय में पांच खंड हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और पंचाग्नि विद्या की बात चल रही है। इसमें से बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स कन्वेंशनल टर्म्स और पानी ले जा रहा है उसी को श्रद्धा भी कहते हैं और दो आहुतियाँ भी कहते हैं और ये सब आदमी जा रहा है, आदमी अपने कर्म फल को साथ लेकर के जा रहा है या कर्म फल आदमी को लेके जा रहे हैं जो भी बोलो, इसका ये अलग अलग प्रकार से वर्णन आ रहा है। और कुछ भाग इसमें अधिक स्पष्ट है, कुछ भाग बृहदारण्यक में अधिक स्पष्ट है, इसलिए आचार्य दोनों को मिला करके हमको बता रहे हैं। फिर इसमें होते हुए कि पहली आहुति जो बोली यानी मनुष्य जो अपने कर्म फल को लेकर के दिव्य लोक में चला गया और दिव्य लोक एक अग्नि है, सूर्य वहाँ जल रहा है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से फल निकला चंद्रमा, यानी आदमी है पितृलोक वाला, आने जाने वाले लोक वाला चंद्र लोक पहुंच गया। तो जाते में बीच में अंतरिक्ष में गया और वो दिव्यलोक में गया, पर पहुंचा है वो चंद्र पर, यानी चंद्र के साथ आइडेंटिफाई हो करके, चंद्र नामक देवता के साथ आइडेंटिफाई हो करके पितृलोक में वो है। अब वहाँ से उसका पुण्य जब खत्म हो गया तो उसको वापिस आना है। अब तो फिर दूसरा जो अग्नि है वो है कौन सा, पर्जन्य, और पर्जन्य जो है बरसात नहीं है, बरसात की जो पोटेंशियलिटी होती है उसको पर्जन्य कहा है। तो पर्जन्य एक अग्नि है, वायु उसकी संविदा है, ये धूम है अमुख है तमुख है और उसमें सोम राजा को कोई लोग वनस्पति मानते हैं और सोम राजा का अर्थ दीप्तिमान चंद्र होता है। तो वही जो चंद्र हो गया था उसकी आहुति दे दी, माने उस जीव को मानो, सब जगह अग्नि दृष्टि है, ये वहाँ कोई अग्नि नहीं जल रहा है पर मानो जीव को उस अग्नि में डाल दिया गया, तो वहाँ से उत्पन्न हुआ बरसात। यानी सीधी भाषा में प्लेन करके कि चंद्रलोक वाला जीव जब वापिस आएगा पृथ्वी लोक पर तो पहली स्टेप हुई कि पानी के बरसात के साथ जीव है, वो जीव इसमें मैं कॉन्शियसनेस है, अव्यक्त है अभी, कर्मफल सारे उसके साथ हैं, जो स्वर्ग में गया तो उतने एग्जॉस्ट हो गए पर शेष कर्म नाम की चीज तो है, बहुत से कर्म उसके साथ है अभी, इसलिए वो दोबारा मनुष्य लोक पर आ रहा है। तो वो बरसात के रूप में आया, यहाँ तक हमने देखा था। अब उसके बाद बोल रहे षष्ठ खंड में पृथ्वी वाव गौतम अग्नि, इसमें गौतम नाम आ रहा है बीच बीच में, मैंने कहा ना गायब हो गया, कन्वर्सेशन में नहीं है। तस्या संवत्सर एव समित आकाशो धूमो रात्रिर अर्चि दिशो अंगारा अवांतर दिशो विश्वलिंगा। हे गौतम, पृथ्वी ही अग्नि है, एक साल मैंने एक साल नहीं, काल का चक्र जो चल रहा है पृथ्वी पर उसके कारण ही पृथ्वी पर सब, देखो
बरसात होनी चाहिए, क्या धूप होनी चाहिए, बरसात होनी चाहिए, शरद ऋतु नहीं छप तो धान्य बिकेगा। इसलिए उसको संविदा जो है वो एक साल है, काल चक्र उसकी संविदा है। पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करना पृथ्वी का मेन काम है, उसके लिए जो मेन ईंधन है वो है कालचक्र। आकाश धूमो, क्योंकि पृथ्वी से ही आकाश ऊपर आया लगता है हमको, तो जैसे पृथ्वी अगर अग्नि है तो धूम आकाश है। रात्रि अर्ची, ये मजेदार है, पृथ्वी पर अपना प्रकाश नहीं है ना, तो अग्नि के रूप के फ्लेम होती है ना, तो फिर पृथ्वी जैसी रात्रि है, इसलिए उसकी फ्लेम जो है ज्योति वो रात्रि है। रात्रि कहाँ से फ्लेम बोली, पृथ्वी को जब अग्नि बोला है तो रात्रि जो है उसकी फ्लेम हो गई, ये अग्नि दृष्टि है ना, इसलिए। फिर दिशाएं जो है ये भी पृथ्वी से संबंधित है, अंगारे माने जब सब रात हो जाती है, खत्म हो जाता है तो दिशाएं रहती है खाली, इसलिए अंगारे हैं। और अंतर दिशा जो है छोटी छोटी, वो छोटी होने के कारण वो चिंगारी है। आचार्य कह रहे पृथ्वी वाव गौतम अग्नि इत्यादि पूर्ववत, माने वो अग्नि दृष्टि है। तस्या पृथ्वी व्याख्य से अग्नि, पृथ्वी नाम का जो अग्नि, संवत्सर एवं समित, संवत्सरे न काले न समिता पृथ्वी व्रीयादि निष्पत्तये भवति। व्रीयादि चावल दाल गेहूँ पृथ्वी से निकलते हैं, जब साल पूरा गुजर जाता है तब। आकाश धूमा पृथ्वी वो उत्तता आकाश दृश्यते, यथा अग्निर्धूमा अग्नि से धुआं उठता है, ऐसा पृथ्वी से मानो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है आकाश, इसलिए वो धुआं है। रात्रि अर्चि पृथ्वी ही अप्रकाशात्मिका या अनुरूप रात्रि तम रूपत्वात् अग्निरिव अनुरूपम अर्चि। अग्नि जैसे ही फ्लेम होती है तो पृथ्वी के अनुसार जो है पृथ्वी अप्रकाशात्मक है, इसलिए उसके अनुरूप जो है रात्रि है वही फ्लेम हो। मैंने श्रुति ने क्या रूपक दिए है ये आचार्य समझ पा रहे और हमको समझा रहे हैं। दिशो अंगारा उपशांतत्व सामान्य, यानी सब शांत जो हो जाता है अग्नि तब अंगारे बचते हैं, ऐसा सब जब शांत हो गया पृथ्वी पर तो खाली दिशाएं रहेगी। अवंतर दिशो विश्वलिंग क्षुद्रत्व सामान्य, जो बीच की दिशा है वो कम जगह में है, इसलिए वो विश्वलिंग के समान है, चिंगारियों के समान। तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवा वर्षम जुवती तस्या आहुतेर अन्नम संभवती। अब ये तो अग्नि है रूपक, पर जो फ्रूट पहला निकला था उसी को हवन करेंगे, यानी जो अपने कर्म फल सहित जीव था, जो चंद्रमा बन गया था, जो बरसात बन गया था, उस बरसात को इसमें आहुति रूप में डाल दिया, यानी उस जीव को इस अग्नि में जलाया हमने। तस्मिन इत्यादि समानम तस्य आहुतेर अन्नम व्रीयवादि संभवति, उसे अन्न निकला, अन्न व्रीयव इत्यादि चावल जो इत्यादि। सप्तम खंड पुरुषो वाव गौतम अग्नि तस्य वागेव समेत प्राणो धूमो जिह्वा अर्चिः चक्षु अंगारा श्रोत्रम विश्वलिंगा। हे गौतम, पुरुष ही अग्नि है, उसकी जो वाणी है वही संविदा है। मैंने गूंगा पुरुष कुछ नहीं कर पाता, बोलने से ही अग्नि का तेज प्रकट होता है, इसलिए वो वाणी उसकी अग्नि है। प्राणो
संविदा है, प्राणो धूमा धूम इव मुखा निर्गमनात्। ऐसा हवा मुंह से निकलती है इसलिए प्राण जो है वो धुआं है। अग्नि से धुआं निकलता है, ऐसे मुंह से निकलता है इसलिए वो धुआं है। जीवा अर्चि लोहितत्व, अलग अलग सिमिलैरिटीज है। जीव लाल है इसलिए वो ज्योति है। चक्षु अंगारा भास आश्रयत्वात्, अच्छा प्रकाश भास भास मने भाषा, ये भाषा शब्द जो है ना भाषा आश्रयत्वात्, भाषा मने ज्योति का आश्रय, भा मने ज्योति, तो ज्योति का आश्रय जो है वो आँख है हमारी, आँख से हमको ज्योति दिखती है, तो इसलिए वो फ्लेम है, आँख फ्लेम है क्योंकि वो अग्नि से निकलती है। चक्षु अंगारा, चक्षु अंगारा भाषा आश्रयत्वात्, श्रोत्रम विश्वलिंगा विप्रकीर्णत्व सामान्य, कान जो है वो बिखरे हुए रहते हैं, सब सुनते हैं सब जगह का, इसलिए वो चिंगारी है। अलग अलग टाइप की सिमिलरिटी हर बार बता रहे, कुछ नहीं उसमें तो अग्नि की दृष्टि डालनी हमको, बस मेन तो है कि वो अग्नि है उसमें जलाया क्या है, पर वो हवन का रूप है इसलिए उसके सारे रूप देने पड़ते अग्नि के। तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवा अन्नम जौवती तस्य आहुते रेतः संभवती। देवता लोग का हमने अर्थ जाना है कि एक तो कॉस्मिक के देवता अग्नि थी, ये हमारी इंद्रिया है, ये तो ये उसमें पुरुष रूप अग्नि में वो अन्न डाल दिया इन्होंने। अब अन्न जब डाल दिया उसका उससे वीर्य बन गया, क्योंकि हमको पांचवी आहुति के बाद पुरुष बनना चाहिए ना, तो इसलिए अन्न खाने पर हड्डी बनी मांस बनी उससे हमें मतलब नहीं है, वीर्य बन गया। समान्य अन्नम जुवती ब्रीयवादी संस्कृतम, संस्कृतम माने दो अर्थ हो सकते हैं, साफ किया हुआ या पकाया हुआ, माने आदमी ऐसे चावल नहीं खा लेता, इसलिए चावल के आहुति डाली माने पका करके खाया आदमी ने, तसे आहुते रहता संभव होती। योषा अष्टम खंड, योषा वाव गौतम अग्नि तस्या उपस्थ एव समीत यद उपमंत्रयते स धूमो, यो योनि अर्चिः यद अंतक करोति ते अंगारा अभिनंदा विश्वलिंगा। एक चीज हम लोग देखते हैं कि आजकल की सोसाइटी में या कुछ दिन पहले की जो टैबू था जिसको उच्चारण नहीं करना है, पुराने स्क्रिप्चर्स में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे हम सेक्स कहते हैं उसका खुला खुली वर्णन होता है, इसलिए इनको ऋषियों को उसमें कोई शर्म या ऐसी प्रतीति नहीं होती। इसके एक मजा बता दो अभी आपको, गंभीरन जी ने ट्रांसलेट ही नहीं किया। योषा वाव गौतम अग्नि बताया, बाकी तस्या उपस्थ एव समेत उपमंत्रयते स धूमो योनि अर्चि अंतक करोति ते अंगारा अभिनंदा विश्वलिंग, इसका ट्रांसलेट नहीं किया। शंकर भाष्य में भी वो पोर्शन उन्होंने छोड़ दिया। एक कन्वेंशन है सन्यासी ने नहीं करना, शंकराचार्य खुद कर रहे हैं, पर शंकराचार्य को कुछ खराब नहीं लग रहा उसमें, जो है वो है उसमें क्या करना है। देखो है सारा वैराग्य के लिए, माने आदमी जो सेक्स करता है
उसके प्रति अग्निबुद्धि करनी हमको, मेन तो ये है। आचार्य वैसे वर्णन करेंगे उसका, योशा माने स्त्री। हे गौतम, अरे मैं कल कैसे बोल रहा था गौतम को, लेकिन प्रत्येक जगह चल रहा है वो स्त्री है गौतम, अग्नि है। अब यहां पर देखो दो शब्द हैं, समझना है तो समझो, उपस्थ और योनि। कुछ मालूम है आप लोगों को फीमेल एनाटॉमी? देखो एक एक ऐसा योनि चिन्ह हम जिसे कहते हैं, एक ओंठ जैसे लिप्स हो खड़े ऐसा रहता है वो ढका हुआ, उस पूरे को उपस्थ का। अब उसके जब खोलो उसमें दो छेद रहते, ऊपर वाला हमारे जैसे एक है वैसा नहीं, ऊपर वाला मूत्र का और नीचे वाला योनि है। तो इसलिए योनि और उपस्थ अलग अलग यहां बताया। उपस्थ समित है मैंने उसके कारण स्त्री का स्त्रीत्व है कहेंगे, यद उपमंत्र थे। अब ये कौन करता है, स्त्री या पुरुष कोई भी बुलाता है, हम ऐसा करेंगे। ये जो आपस में उसको कुछ भी कहते हैं फोर प्ले वगैरह, एक दूसरे को बुलाते हैं पास में, वो धुआं है। योनि जो है वो फ्लेम है। अंतक करोति मैंने एक्चुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स को करे, भीतर में जो करता है, भीतर में जो करता है वो अंगारा है, और उससे जो आनंद मिलता है उनको वो विश्वलिंग है। ये वर्णन है। योशा वाव उत्तम अग्नि तस्य उपस्थ है वह समित तेन ही सब पुत्रादि उत्पादनाय समिद्धते। मैंने बेटा वगैरह उत्पन्न होने के लिए उसको उपस्थ इंद्रिय की जरूरत है ना, तो इसलिए वो समिधा है। यद उपमंत्र रहते सधुमा स्त्री संभवात उपमंत्रण से, मैंने वो स्त्री के कारण ही ये चलता है कि आपस में मिलेंगे, इसलिए वो क्या है धुआं है, अग्नि से निकलने वाला धुआं। योनिर आर्ची लोहित अर्थात योनि लाल होती है इसलिए वो फ्लेम है। यद अंतक करोती ते अंगारा अग्नि संबंध, जो भीतर करता है उसका अग्नि से संबंध है इसलिए वो अंगारे हैं। अभिनंदा सुख लवा विश्वलिंगा क्षुद्रत्व, उसमें जो आनंद है बहुत ही थोड़ा होता है, कणमात्र होता है, इसलिए वो इन चिंगारियों के समान है। तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा रेतो जोवती तस्या आहुतेर गर्भा संभवती। तो इस अग्नि में देवता लोग जो आदमी का रेत है उसको डालते हैं, उसकी आहुति देते हैं, उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है। तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवा रेतो युवती तस्य आहुतेर गर्भा संभवती इति। अब आचार्य सबको पूरा ये कर रहे हैं, पूरा मैंने पांचों आहुतियों को, एवं श्रद्धा सोम वर्षा अन्न रेतो हवन पर्याय क्रमेण आप एव गर्भीभूतास्ता। मैंने वो जो पानी था, जो श्रद्धा थी, जो पुरुष था, वो पहले श्रद्धा बना, श्रद्धा का आहुति दी गई थी तब चांद बना सोम, और चांद की आहुति दी वर्षा बना, और वर्षा की आहुति दी तब रेत बना, अन्न बना, वर्षा की आहुति से अन्न बना, अन्न से रेत बना। ये हवन पर्याय क्रम चल रहा है, मैंने एक के बाद एक ये हवन हवन चल रहे हैं, ये वो गर्भीभूतास्था, और यही गर्भ के रूप में हो गया। तत्र तत्र याम आहुति समवायित्वात्
प्राधान्य विवक्षा आप पंचम आहुतो पुरुष वचस्व भवंती इति। अभी आहुति के साथ जितनी चीजें उसमें पानी ही इंपॉर्टेंट है कह रहे हैं, और इसलिए वो पानी ही पांचवें आहुति के बाद पुरुष बन गया गर्भ में। न तो आप एव केवल समाधि कार्य आरंभते न च आपो अत्रिवृत कृत संती इति। मैंने आचार्य कह रहे खाली पानी नहीं है, ये सारी चीजों मिलकर के ही है ये, पर पानी प्रधान है बस। खाली पानी से कोई सोम वगैरह नहीं बनता, और पानी जिसको हम कह रहे वो भी सूक्ष्म द्रव्य पानी नहीं है ये। छांदोग्य में मैंने तैतरीय के पंचीकरण में छांदोग्य में त्रिवृत करण होता है, तेज पानी पृथ्वी, तो ये अत्रिवृत नहीं है, माने सटल एलिमेंट नहीं है ये। पानी बोल रहे पुरुष में पृथ्वी और तेज है ये कह रहे आचार्य। त्रिवृत कृतत्व अपनी विशेष संज्ञा लाभो दृष्ट पृथ्वी इमा आपो अयम अग्नि इति अत्यंत अन्यतम बाहुल्य निमित्त। बोले इसमें पृथ्वी अग्नि सब है, परंतु प्रधानता पानी की दिख रही है हमको, इसलिए उसका नाम पानी बना है। तस्मात् समुदितानि एव भूतानि अबाहुल्यात् कर्म समवायिनि सो सोमादि कार्यारंभ करणी आप इति उच्यन्ते। उससे जो जो भी हो रहा है उसमें पानी ही प्रधान है, इसलिए सारी आहुति पानी की ही बोली जा रही है। दृश्यते च द्रव्य द्रव बाहुल्यम सोमवृष्टि अंदर रेतो देहेषु। मैंने चंद्रमा में बोलो, बरसात में बोलो, पुरुष में बोलो, स्त्री में बोलो, पानी की ही तो प्रधानता है, देखी जाती है। बहुद्रवम च शरीरम यद्यपि पार्थिवम। ये जो मिट्टी का शरीर बना है इसमें तो कई एलिमेंट्स होते हैं, परंतु फिर भी पानी ही प्रधान है। तत्र पंचम आहुतो हुतायाम रेतो रूप आपो गर्भीभूत। इसलिए पांचवी आहुति रूप में जो रेत डाला गया उसको भी पानी कहा, और वही पानी पुरुष बन गया। अब आचार्य जोरदार वैराग्य कराएंगे हमको इसके बाद। नवम खंड इति तो पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति स उल्बावृतो गर्भो दश वा नव वा मासान अंतशयित्वा यावद्वा अथ जायते। तो पांचवी आहुति में जो पुरुष नाम हो गया उसका पानी का, हाँ हो गया, पांचवी आवृत्ति में पुरुष नाम हो गया उस अग्नि का। अब वो जो पुरुष है वो उल्बावृत हो, यानी क्या कहते हैं उसको, एम्ब्रायो, एक झिल्ली सी रहती है उसमें कवर रहता है ये उल्बावृत, वो गर्भ है। और वो झिल्ली से कवर में 10 महीने रहता है या 9 महीने रहता है आचार्य कह रहे, जिसका भी जितना रहता है उतना उसी में सोता है वो, और फिर जन्म होता है उसका। आचार्य कह रहे इति तो एवं तो पंचम आहुता आप पुरुष वचस्व भवंती इति व्याख्याता। एक प्रश्न मैंने जो लास्ट क्वेश्चन था, पंचवती में पुरुष हो जाता है वो हो गया पूरा। यत्तु द्युलोकादिमां प्रत्यावृत्तयोर आहुत्यो पृथ्वीं पुरुषं स्त्रियं क्रमेण आविश्य लोकं प्रति उत्थायी भवति इति वाजसन एके उक्तं तत् प्रासंगिकं इह उच्यते। मृदंडक में क्या बोला है, आगे क्या बोल दिया कि वो पुत्र रूप में उत्पन्न होगा, फिर वो बूढ़ा होगा,
फिर वो कर्म करेगा, फिर उसको अग्नि में ही जलाया जाएगा, ऐसे उसमें बोल दिया है। उसका यहाँ पर एक इंडिकेशन खाली आया है कि पुरुष बन गए, ठीक है। मैंने बृहदारण्यक में उसके एक स्टेप और बता दिए कि ऐसा जो होगा फिर वो जन्म होगा, कर्म करेगा, अग्नि में तो जलेगा आखिर, यानी अग्नि से निकला फिर अग्नि में ही जा रहा है, ऐसा वर्णन बृहदारण्यक में है। यह जो प्रथम प्रश्न उत्तम वेत्थ यद इतोपि प्रजा प्रयंती तस्य च अयम उपक्रम। यहाँ पहला प्रश्न था कि यहाँ से प्रजा कहाँ जाती है, उसका भी यह उपक्रम है। अभी प्रश्न सॉल्व नहीं किया है वो, पर फिर वही बृहदारण्यक के साथ जब जोड़ेंगे इसके बाद में बोलेंगे कि वो भी कर्म करेगा और यहाँ से जाएगा स्वर्गलोक में। वो यहाँ पर खाली उसका एक इंट्रोडक्शन है। अब वो वर्णन कर रहे मंत्र का। अब तक तो है मंत्र का पहला जो सेंटेंस है ना, पुरुष वचस्व भवति, इसी में आचार्य ने जोड़ करके आगे का कुछ बता दिया। अब मंत्र पर आते हैं। स गर्भो याम पंचमा परिणाम विशेष आहुति कर्म समवायिनी नाम श्रद्धा शब्द वाच्य नाम। वो जो गर्भ है वो श्रद्धा शब्द का ही पांचवा रूप है, कर्म के साथ, अपने कर्मफल के साथ। उल्बावृत उल्बेन जरायुना आवृतो वेष्टितो, जरायु कहते उसको, उम को, तो उससे ढका हुआ वो है। दशवा नववा मासान अंत मातु कुक्षौ शयित्वा, दस या नौ महीने माँ के कोख के अंदर सोया हुआ रहता है। यावतवा यावता काले न न्यूने न अतिरिक्त न वा अतः अनंतरम जाए, कभी कुछ कम कभी कुछ ज्यादा, ऐसे दिन वहां रहता है वो, फिर जन्म होता है। उल्बावृत इत्यादि वैराग्य हेतु रिदम उच्चते, आचार्य कह रहे ये जो ढका हुआ कह रहे ना, यहाँ से अभी जो जो बताएंगे ये सारा वैराग्य के लिए कहा जा रहा है। कष्टम ही मातु कुक्षो मूत्र पुरीष वात पित्त श्लेष्मादि पूर्णे तद अनुलिप्तस्य गर्भस्य, मैंने कितना कष्ट है कह रहे माँ के गर्भ में, माँ का मूत्र पुरीष वात पित्त कफ सब उसमें रहता है पूर्ण, और उसी से लिपटा हुआ रहता है ये जीव भी। गर्भस्य उल्व अशुचि पटावृतस्य, वो जो पर्दा है जिसमें ढका हुआ है वो भी गंदा है। लोहित रेतो अशुचि बीजस्य, और माँ का लोहित और पुरुष का बीज ये गंदी चीजें मिलकर के ही तो बनाए जीव। मातुर अशित पीत रसानु प्रवेशेन विवर्धमानस्य, और माँ जो खाती पीती है उसी का रस से ये पुष्ट हो रहा है, मैंने माँ के झूठन का माँ के पचाए हुआ वो इसको खाना मिल रहा है। बढ़ रहा है वो उससे। निरुद्ध शक्ति बल वीर तेज प्रज्ञा चेष्टस्य शयनम, और उस अवस्था में उसका शक्ति बल वीर तेज प्रज्ञा चेष्टा ये तो सारा दबा हुआ ही रहता है। ततो योनि द्वारे न पीड्यमानस्य कष्टतर निस्मृति जन्म इति वैराग्यम रहा है, और भयानक कष्ट से वो योनि से बाहर निकलता है। ये सब वैराग्य के लिए बताया जाता है। मूर्तमपि असह्यम दशवा नववा मासान अति दीर्घ कालम अंत शयित्वा इति च, और एक क्षण भी जहां रहना मुश्किल, ऐसे जगह में नौ या दस महीने पड़ा रहना पड़ता है अंधकार में, उसको सेंस भी नहीं होता दुख तो बात है। एक कहानी बताता हूँ मजेदार फैक्ट। कलकत्ते का एक आदमी गांव में पैदा हुआ, वह जज बन गया या अच्छे पोस्ट पर है कलकत्ते में। अब माँ बेचारी गांव में रहती है और कोई नहीं माँ को देखने वाला, तो लोग उससे पूछते हैं कि माँ को साथ में क्यों नहीं रखते या
क्या करती है माँ? बोले 10 महीने गोडाउन का भाड़ा भेज देता हूँ। 10 महीने उसने गोडाउन में रखा था मुझे, इसलिए हर महीने कुछ पैसे भेज देता हूँ उसको, बस इतना ही माँ के साथ संबंध है। 10 महीने के गोडाउन का भाड़ा भेज देता हूँ, तो 10 महीने गोडाउन में आप रहते। अभी आगे का जो आता है ना, स जातो यावद आयुष्यम जीवति तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एव हरन्ति यत एव एतो यत संभूतो भवति। मैंने अभी 5 अग्नि पूरे नहीं हुए, 6ठा अग्नि आ रहा है कि वो जितने काल जिसका आयुष्य उतने साल जीता है वो, और मरने पर उसके भाग्य से दिष्ट मने अग्नि में ही तो ले जाते हैं इसको, जहां से निकला था वहीं जाता है। 5 अग्नियों में से निकला और फिर आखिर में भी अग्नि में ही जाता है, ये उपनिषद का वैराग्य। स एवं जातो यावद आयुष्यम पुनः पुनः घटी यंत्रवद गमनागमनाय कर्म कुर्वन् कुलालचक्रवद्वा तिर्यक् भ्रमणाय यावत् कर्मण उपात्तम आयुः तावत् जीवति। अब 2 उपमाएं दिए इसको। घटी यंत्र, घटी यंत्र होता है ना, मैंने उसको एक बार असरते भरे, एक बार असरते ऐसे भरते, ऐसे उसके जन्म मरण चल रहा है। और दूसरा उदाहरण यह है कुलाल चक्र, कुमार का जो चक्कर होता है इस तरह वो चक्कर काट रहा है। गमना गमनाय जाने आना कर्म करना है, तिर्यक् भ्रमणाय, तिर्यक् भ्रमणाय माने कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा भी घूमना उसका होता है कुलाल चक्र जैसा। यावत कर्मणा उपात्तम आयु, जब तक उसके कर्म प्रारब्ध कर्म की आयु रहती है तब तक वो जीता है। तम एनम क्षीण आयुषम, जब आयुष्य खत्म हो गया उसका, प्रेतम माने मृतम, दिष्टम माने कर्मणा निर्दिष्टम, उसके जो कर्म किए उसके अनुसार। परलोकम प्रति यदि चेत जीवन वैदिक कर्मणि ज्ञाने व अधिकृता, अभी अब परलोक जाएगा, जीते में अगर उसने वैदिक कर्म या ज्ञान मिश्रित कर्म किए होंगे तो अधिकृत है। तम एनम मृतम इतो अस्मात् ग्रामात् अग्नये अग्नर्थम ऋत्विजो हरन्ति, गांव से बाहर ले जाते हैं स्मशान में उसको, या तो ऋत्विक लोग ले जाते हैं पुत्रा व अंत्यकर्मण, या उसके बेटे लोग ले जाते हैं अंतिम कर्म करने के लिए। ये तो एवं एते अगतो अग्नि है सकाशात, कहाँ से आया था अग्नि? इसके पास से ही आया था, श्रद्धादि आहुति क्रमेण, श्रद्धा इत्यादि आहुति के रूप में अग्नियों के पास से आया था। यतश्च पंचभ्यो अग्निभ्य संभूतो उत्पन्न भवति, 5वीं अग्नि से उत्पन्न हुआ था वो। तस्मा एव अग्नये हरन्ति स्वामेव योनिम अग्निम आपादयन्ति इति अर्थ। स्वामेव योनि मने वो अग्नि से ही निकला था, अग्नि में ही वापिस जा रहा है। ये एक प्रश्न का उत्तर हो गया पूरा। उनका था कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तो सब प्रश्नों का उत्तर देना अनुकूल हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से प्रजा कहाँ जाती है ये प्रश्न ले रहे हैं, और एक प्रश्न था कि ये 2 मार्ग सेपरेट कहां पर हो रहे हैं। वेत्त यदि तो आदि प्रजा बयंती अयम प्रश्न प्रत्युपस्थित तो अपा कर्तव्यतया, अब निराकरण करने के लिए वो प्रश्न हमारे सामने आ गया है कि यहाँ से प्रजा कहाँ जाती है। दशम खंड, तद ये इत्थम विदुः यच इमे अरण्ये
श्रद्धा तपैति उपासते ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति अर्चिषो अहा अन्ना अपूर्यमाण पक्षम अपूर्यमाण पक्षात यान शदुडंगेति मासान सान। ये पहले भी एक बार आ गया है ना, वो जो कौन सा विद्या से कही थी उसके बाद मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरात आदित्यम आदित्यात चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः स एनान ब्रह्म गमयति एषा देवयाना पंता इति। जो इसको जानते हैं पंचाग्नि विद्या को वो इस दक्षिण मार्ग से नहीं जाते। पंचाग्नि विद्या को जानकर जिनमें वैराग्य हो गया है वो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे। और भी कोई लोग उत्तरायण मार्ग से जाएंगे पंचाग्नि विद्या न जानकर के भी, जो अरण्य में श्रद्धा और तपस्या लेकर के रहते हैं। कहाँ वर्णन है हमने पढ़ा हुआ अरण्य में तप और श्रद्धा लेकर रहने का? श्रद्धा तपो ये उपसंति अरण्य मुंडक उपनिषद में ऐसा बोल करके इसके बाद आया परीक्षा लोकान कर्मचित्ता। मैंने पहले कर्मचित्त लोग सारे बोल दिए पर इससे अलग लोग है वानप्रस्थी, और वो श्रद्धा और तपस्या लेके जंगल में रहते हैं, वो भी देवयान मार्ग से जाएंगे। यहाँ दो लोगों को इकट्ठा किया, पंचाग्नि विद्या का ज्ञान रखने वाले गृहस्थ। तो ब्राह्मण को पता ही नहीं था उसका ना, उनको जरूरत भी नहीं थी। पंचाग्नि विद्या का रहस्य जानने वाले वैराग्यवान गृहस्थ और जंगल में रहने वाले वानप्रस्थी, ये च इमे अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते। उपासते में अपनी उपासना में लगे हुए हूँ श्रद्धा और तपस्या के साथ, ऐसे दो अलग अलग लोग बताए। विद्वान गृहस्थ, पहले भी विद्वान आया था, ये सारा ही आया था पहले, वो दूसरी विद्या थी, वहां भी बोला था कि इस विद्या से अलग भी कोई विद्या होती है। तो इसलिए पंचाग्नि विद्या शुरू के पहले भी ये सारा ही आया था इसी तरह का वर्ण। वहां पर उसके दो नाम दिए थे, इसको ही देवयान कहते हैं, इसको ब्रह्मयान कहते, ऐसा बोला। यहां पर एक ही नाम दिया है, नहीं आता रहा पंचाग्नि विद्या के पहले? देखो मिला नहीं, अध्याय कौन सा, खंड कौन सा? चार अध्याय में पहला पंद्रह, चार अध्याय का पंद्रह खंड। हाँ ठीक है, वही तो था लास्ट, सोलह सत्रह हमने छोड़ ही दिया था। ठीक है, खोलो चार अध्याय का पंद्रह खंड। हाँ ये रहा, ये बिल्कुल ऐसे ही। अथ यद ऊंचाई हुआ अस्मिन शव्यम कुर्वंती यदि च न था ना, वो भामनी वामनी हा? ब्रह्मा वो कौन था, उपकोशल कमलायन की स्टोरी में आया था वो पूरा,
उसमें अंत में था देखो 15वें खंड में पांचवा मंत्र, अतः यदु चैव अस्मिन् शव्यं कुर्वन्ति यदि च न अर्चिषम एव संविवन्ति अर्चिषो आहा अन्न अपूर्यमाण पक्ष, ये बिल्कुल आ रहा है अपूर्यमाण पक्षा दूधंग षडुंग मासा मास्यप्य संवत्सरम आदित्यम चंद्रमसम विद्युतम तत्पुरुषो अमानव सैनान ब्रह्म गमेति ऐसे देव पथो ब्रह्म पथ ऐसा नाम दिया था। एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम न वर्तन्ते न वर्तन्ते, वही वर्णन यहाँ पर आया। तद यह इत्थम विदुः पंचाग्नि विद्या जानने वाला मैंने रियलाइज किया, जिसने भीतर में हाड़े हाड़े जिसने बुझा है ये पंचाग्नि, वो वैराग्यवान गृहस्थ की भक्ति पूरी, और उसको छोड़ करके इमे अरण्य श्रद्धा तपैति उपासक, जो अरण्य में श्रद्धा तपस्या लेकर के रहते हैं उनका वो आर्चिषम अभी संभवंती, वो लाइट में ही जाते हैं ज्ञान वाले। आर्चिषा से वो दिन में, दिन से शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के छह महीनों में, उत्तरायण के छह महीनों से साल में, साल से आदित्य में, आदित्य से चंद्रमा में, चंद्रमा से विद्युत में, और विद्युत लोक में ब्रह्मलोक से आदमी आता है, वो मान आदमी नहीं रहता है, वो ब्रह्मलोक से एक मैसेंजर आता है और उनको ब्रह्मलोक ले जाता है, इसको देवयान पंथ कहते हैं। तो ये देवयान मार्ग हो गया, यहां से कहां जाते में अगर इसका ज्ञान है या वानप्रस्थ है तो ये देवयान में जाते। आचार्य भाष्य, तत्र लोकम प्रति उत्थितानां अधिकृतानां गृहमेदिनां, आचार्य स्पष्ट कर दिया है, यह इत्थमेव यथोक्तम पंचाग्नि दर्शनम द्विलोकादि अग्निभ्यो वयम क्रमेण जाता अग्नि स्वरूपा पंचाग्नात्मानम इति एवं विदो जानीयुः। इस श्लोक के प्रति उत्थित हुए अधिकारी गृहस्थों में, माने यहाँ जन्म हो गया गृहस्थ हो गए हैं, वो अगर ये पंचाग्नि विद्या का अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसे जल बूंद करके क्रम से अग्नि स्वरूप में हम पांचवी आहुति में आए हैं, या अगर वो जानते हैं तो कथम अवगम्यते इत्थम विदुर इति गृहस्थ है वो उच्चन्ते नान्य इति, सवाल आया कि गृहस्थों की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा जो भी जानेगा उसका नहीं होगा क्या? मैंने सवाल यह है कि उत्तरायण मार्ग है ना ये, परमहंस सन्यासी तो उत्तरायण से भी नहीं जाएंगे, इसलिए खाली गृहस्थ का ही है ये। गृहस्थ नाम ये तो अनित्थम विदा केवल इष्टापूर्त दत्त परा ते धूमा दिना चंद्रम गच्छन्ति इति वक्षति। गृहस्थों में जो ये नहीं जानते खाली कर्म करते रहते हैं वो धूमादि क्रम से जाएंगे चंद्रलोक में, जहां से वापसी का वर्णन आया था। ये चारण्य उपलक्षित वैखानस परिव्राजकाश्च, परिव्राजक बोल दिया उनको, वैखानस मने वानप्रस्थी, परिव्राजक मने दंडी स्वामी, परिव्राजकाश्च श्रद्धा तपैति उपासते तेषां च इत्थं विद्वि सह अर्चिरादि गमनं वक्षति परिशेष्यात् अग्निहोत्र आहुति बंधाच गृहस्थ एव गृह्यन्ते इत्थं विदुरिति। बोले उनकी बात तो अलग करेंगे ना, और जो गृहस्थ केवल कर्म करते उनकी बात अलग करेंगे, तो बचे कौन? ज्ञानी गृहस्थ, ऐसा आचार्य कह रहे। आचार्य कह रहे हैं, प्रश्न उठाया कि गृहस्थ की बात कैसे हुई, तो आचार्य कह रहे वानप्रस्थी और उनकी तो बात अलग आएगी, इसमें बताइए दूसरी, और जो गृहस्थ केवल कर्मी उनकी बात अलग आएगी, तो कौन बचा? ज्ञानी गृहस्थ। इसलिए हम कह रहे हैं कि ज्ञानी गृहस्थ का वर्णन है।
ननु ब्रह्मचारिणौ अपि आग्रहिता ग्रामश्रुत्य अरण्यश्रुत्य च अनुपलक्षिता विद्यन्ते कथम पारिशेष्य सिद्धि। बोले एक आदमी और बच गया, मैंने गृहस्थ वाले भी नहीं है वो और अरण्य वाले भी नहीं है, तो ब्रह्मचारी लोग है ना, वो नहीं बचे क्या? हिसाब लगाया जा रहा है। परमहंस सन्यासी की बात ही नहीं निकाली। दंडी स्वामी लोग, वानप्रस्थी लोग और केवल कर्मी गृहस्थ लोग, तो बचे हुए ज्ञानी गृहस्थ। तो प्रश्न उठाया कि और एक नहीं बचे क्या ब्रह्मचारी लोग? वो तो ग्राम श्रुति भी नहीं, मैंने शादी करके घर में भी नहीं रहे या जंगल में भी नहीं रहे, तो उनकी बात कहाँ? बचने में वो नहीं बचे क्या? नैष दोषा पुराण स्मृति प्रामाण्या ऊर्ध्वरेतसाम नैष्ठिक ब्रह्मचारिणाम उत्तरेण आर्यमना पंथा प्रसिद्धा। बोले श्रुति ने नहीं बात की उनकी, परंतु पुराण और स्मृति में उनकी बात मिलती है हमको। और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं वो पुराणों में वानप्रस्थ के इक्विवेलेंट बोलती है, उनका उत्तर मार्ग ही बोला है। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का पुराण और स्मृतियों में उत्तरायण मार्ग ही बोला है, श्रुति में उल्लेख नहीं है, इसलिए हमने बचे हुए में उनकी गिनती नहीं की। अतः तेपी अरण्यवासी भी सगमिष्यन्, इसलिए वो वानप्रस्थियों के साथ ही जाएंगे। उपकुर्वाण कास्तु स्वाध्याय ग्रहणार्थ इति न विशेष निर्देशा। दूसरे जो ब्रह्मचारी उपकुर्वाण, यानी बाद में या तो शादी करेंगे या सन्यासी होंगे, उनकी क्या बात करनी हो, तो ट्रेनिंग में भी वो मर जाएंगे, इसी बात ही नहीं निकली है। यानी कौन बचा था? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी दो प्रकार के, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी इज इक्वल टू वानप्रस्थ या दंडी स्वामी, तो उनके बाद वेदों में नहीं आई है पर ये पुराण श्रुति में आ गई। और जो उपकुर्वाण है, अरे वो तो अभी बच्चे हैं, अभी अंडर ट्रेनिंग है वो, उसके बाद वो किसी एक आश्रम को ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार होंगे वो, इसलिए उनका भी फल क्या बताना है। ननु ऊर्ध्वरेतस्थं चेत् उत्तरमार्ग प्रतिपत्ति कारणं पुराण स्मृति प्रामाण्याद् इति प्रामाण्याद् इष्यते इत्थं विद्वम् अनर्थकं प्राप्तम्। बोले पुराण स्मृति अगर मानो तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्यों की बात है, फिर पंचाग्नि विद्या का क्या फायदा? अरे वो गृहस्थ होकर के भी पंचाग्नि विद्या है, ये बताना है ना, उसको एम्फसाइज करने के लिए कह रहे हैं। अरे ब्रह्मचारी अगर वानप्रस्थियों के इक्विवेलेंट हो गए, ये फिर पंचाग्नि विद्या किसकी? ना गृहस्थान गृहस्थान प्रति अर्थवत्वा, मैंने गृहस्थ होकर के भी जो पंचाग्नि विद्या जानते, यही बचेना भी। ये गृहस्थ अनित्थम विदा, जो गृहस्थ ऐसा नहीं जानते, तेषां स्वभाव तो दक्षिण धुमादि पंथा प्रसिद्ध है, वो तो स्वभाव तो अच्छे कर्म करेंगे, धुमादि पंथ से जाएंगे। तेषां च इत्थं विदु सगुणं वा अन्यत् ब्रह्म विदु। अथ यदु चैव अस्मिन् शव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्चिषम् एव इति लिंगात् उत्तरेण ते गच्छन्ति। इसलिए गृहस्थों की ही बात निकली है कि जो जो दक्षिण मार्ग प्रसिद्ध है उनसे अलग है ना, ये उनसे गुण अधिक है ना इन विद्वानों में, तो इसलिए जो पहले बताया था अंत्येष्टि करो नहीं करो, उसके बराबर ही आ गए। ननु ऊर्ध्वरेतसाम गृहस्थानाम च समान आश्रमित्वे ऊर्ध्वरेतसाम
एव उत्तरेण पथा गमनम नगरस्थानाम इति न युक्तम अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म बाहुल्य च सति। अब एक एक कर्म का बिल्कुल जिसे कहते चूल चेहरा निकालते, उनको कुछ कर्म नहीं करना पड़ता गुरुद्वारे दशा को, और गृहस्थ को इतने कष्ट, और फिर भी दोनों को एक ही फल। हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में थे या बाद में भी कभी शाम को कहाँ टहलते हैं, टहलते थे तुम लोग मालूम है? नहीं, आरती के पहले वो लेकेट हाउस के पास ना, अब टहलते हैं हम लोग, सन्यासी भी हम लोग भी, नाव से लोग जा रहे हैं, क्या मजा मजे देखो, अन्न खा रहे पचा रहे, पास कुछ नहीं करना ही। सुनाई पड़ते रोज कमेंट नौका से जाने वाले लोगों का, देखो इनके क्या मजा है, खाते हैं पचाते हैं और तो कुछ नहीं करना पड़ता इनको। तो गृहस्थ को इतना कष्ट करना पड़ता है, ये लोग कुछ नहीं करते, ये समान कैसा हो जाता है? अग्निहोत्रादि कितने कर्म करने पड़ते हैं इनको, नैष दोष अपूता इते, बाप रे गाली दे दिया। अरे वो अपवित्र होते हैं इसलिए, किसने बोला शादी करो तुमको, शादी की है ना, अपवित्र हो तुम इसलिए फिर कर्म करो और इसलिए स्ट्रगल करके ज्ञान प्राप्त करो, तुमको भी रास्ता तो दिया है ना। शत्रु मित्र संयोग निमित्त ही तेषाम राग द्वेष तथा धर्मो धर्मो हिंसानुग्रह निमित्त, बोले उनके कोई एनिमीज होते हैं कोई मित्र होते हैं, इसलिए राग द्वेष ये सब होता है उनमें, और फिर धर्म अधर्म हिंसा ये सब होता है उनमें। हिंसा अंधृत माया अब्रह्मचर्यादि च बहु अशुद्धि कारण अपरिहार्यम तेषां, ये तो अपरिहार्य है उसमें ना, हिंसा भी है झूठ भी बोलते हैं कपट भी करते हैं ब्रह्मचर्य का अभाव भी रहता है, ऐसे बहुत से अशुद्धि के कारण है उनमें। आ तो अपूता इसलिए अपवित्र बोला, एक शब्द में बोल दिया अपूता, उसका वर्णन किया अपूतत्वात् न उत्तरेण पथा कम, अपवित्र होने के कारण उत्तर पंथ से नहीं जाएंगे। हिंसानृत माया ब्रह्म अब्रह्मचर्यादि परिहाराच्च शुद्धात्मा नो इतरे, अब इतर लोग जो हैं वो जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वगैरह उनमें हिंसा झूठ माया अब्रह्मचर्य ये सब नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। शत्रु मित्र राग द्वेषादि परिहाराच्च, उनका शत्रु मित्र राग द्वेष भी नहीं होता, विरजा विरजसा वो विरजा होम करते हैं बोलो या विरज है वो, तेषां युक्त उत्तर पद उनका उत्तर मार्ग जाना उचित है। तथा च पौराणिका ये पुराणों में बोला है, ये प्रजाम ईशिरे अधीरा ते स्मशानानि भेजिरे, ये प्रजाम नेशिरे धीरा ते अमृतत्व ही भेजिरे इत्याहु, पौराणिकों ने ऐसा वर्णन किया है। अधीरा मैंने मंद बुद्धि, ईश्वर मैंने संतान की इच्छा की, वे स्मशान को ही प्राप्त हुए, किंतु जिन बुद्धिमानों ने संतान की इच्छा नहीं की वे अमृत को प्राप्त हुए। ये पुराण में नैषिक ब्रह्मचारी वगैरह बेटा नहीं चाहते इसलिए वो ऐसा हुआ। ठीक है, इसका थोड़ा सा और डिस्कशन यहाँ पर किया है, हरे का चूल चरवाना परिस्थितियों का क्या होता है, इनका क्या होता है, इनका क्या होता है, ये सारा, और पूरे मुक्ति वाले तो इसमें है ही नहीं, ये आचार्य बताएंगे इसमें, उनका वर्णन नहीं आया अभी तक कहीं तक। पंचाग्नि विद्या जाने जानने से उत्तरायण मार्ग मिलता, अब ये कॉमन है बात अलग कि उससे वैराग्य जो हुआ तो हम सन्यासी हो गए, यहाँ सन्यासियों का अलग से उल्लेख आचार्य खुद करके बताएंगे, सन्यासियों को कहीं जाना नहीं बताएंगे, यही हो जाएगा उनका सारा।
ये फर्क है। ये तो उत्तर पद से जाना है ना ब्रह्मलोक में, सन्यासी को कहीं जाना नहीं होता। ये भी इसमें आचार्य पूरा स्पष्ट कर देंगे। ओम अप्यायन्तु ममांगानी वाक प्राण चक्षु श्रोत्र मतो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।